हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती मुहूरी देवी तापड़ी कन्हा महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम प्लांट फिजियोलॉजी के कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने ट्रांसपायरेशन शुरू किया था, उसकी मैकेनिज्म कैसी होती है, ट्रांसपायरेशन कहते किसके हैं, उससे कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर में कम्प्लीट कर लिया था। हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में ये देखा था कि ट्रांसपायरेशन को दो टाइप्स के फैक्टर जो होते हैं वो इफेक्ट करते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर को हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी के बारे में पढ़ा, लाइट के बारे में, विंड के बारे में पढ़ा। अभी आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इंटरनल फैक्टर्स जो होते हैं वो ट्रांसपायरेशन की रेट को कैसे इफेक्ट करते हैं, इंटरनल फैक्टर्स कहते किसको हैं। इंटरनल फैक्टर्स उन फैक्टर्स को कहते हैं जो कि ट्रांसपायरेशन ऑर्गन जो होता है, ट्रांसपायरेशन ऑर्गन क्या है, लीव्स जिनसे ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस हो रही है वो उनसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हो, उन ऑर्गन उन फैक्टर्स को इंटरनल फैक्टर्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है। जैसे कि लीफ का एरिया कैसा है, लीफ की सरफेस कैसी है, उसके ऊपर वैक्स की लेयर प्रेजेंट है कि नहीं है, रूट शूट का रेशियो क्या है, लीफ का ओरिएंटेशन क्या है, लीफ का अरेंजमेंट कैसा है, इनको इंटरनल फैक्टर्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है। इंटरनल फैक्टर्स वेरियस टाइप के होते हैं, उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि लीफ के सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा ट्रांसपायरेशन की रेट भी उतनी ज़्यादा होगी। ऐसा क्यों? यहाँ पे हमने दो लीव्स के डायग्राम बनाया है, एक में लीफ का सरफेस एरिया जो है वो बड़ा है, दूसरे लीफ के अंदर सरफेस एरिया जो है वो छोटा है। इस पहली ए लीफ के अंदर सरफेस एरिया बड़ा होने की वजह से इनके अंदर स्टोमेटा के नंबर जो होंगे वो भी ज़्यादा होंगे। स्टोमेटा क्या काम करता है? स्टोमेटा के थ्रू ही तो ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस हो रही है। अगर स्टोमेटा की नंबरिंग ज़्यादा होने की वजह से ट्रांसपायरेशन की रेट भी ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हर एक स्टोमेटा से ट्रांसपायरेशन हो रहा है या हर एक स्टोमेटा से वाटर का लॉस हो रहा है, इस वजह से ट्रांसपायरेशन की रेट इंक्रीज़ हो जाएगी। लीफ का सरफेस एरिया बड़ा है तो ट्रांसपायरेशन की रेट भी इंक्रीज होगी। अगर लीफ का सरफेस एरिया छोटा होगा तो उस पर स्टोमेटा का नंबर्स भी छोटे कम होंगे, स्टोमेटा के नंबर्स कम होंगे तो ट्रांसपायरेशन की रेट भी कम होगी। लीव सरफेस कैसे फैक्टर की तरह यूज़ की जा सकती है? लीव सरफेस क्या है? लीव हम कुछ ड्राई इन्वायरमेंट में जो प्लांट्स पाए जाते हैं या फिर डिजर्ट एरिया में कुछ प्लांट्स होते हैं उनकी लीव को हम देखते हैं, तो वो लीव जो होती है वो कुछ प्लांट्स के अंदर वैक्स की या क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है। ये लीव्स जो हमें थोड़ी चमकीली दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर वैक्स या क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है। ये काम क्या कर रही है क्यूटिकल की लेयर? ये क्यूटिकल की लेयर जो होती है वो प्लांट से वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है, प्लांट की सरफेस से वाटर का लॉस ना हो इसलिए उसके ऊपर क्यूटिकल की लेयर चढ़ा दी, जो कि वाटर के लिए इम्परमिएबल होगी लेकिन ऑक्सीजन और CO2 के लिए परमिएबल होगी, जिससे फोटोसिंथेसिस से और बाकी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस तो होती रहेगी लेकिन ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस जो होगी उसमें कमी आ जाएगी। किस वजह से? क्योंकि लीव की सरफेस के ऊपर क्यूटिकल या फिर वैक्स की लेयर प्रेजेंट है और कुछ प्लांट्स के अंदर लीव्स जो होती है वो छोटी हो जाती है ताकि ट्रांसपायरेशन के लिए डिक्रीज हो जाए। छोटे होने से क्या फ़र्क पड़ेगा? अभी हमने देखा लीफ के सरफेस एरिया के अंदर लीफ का एरिया छोटा होगा तो स्टोमेटा के नंबर भी कम होंगे, जिससे ट्रांसपायरेशन रेट डिक्रीज हो जाएगी। कुछ प्लांट्स के अंदर सनकर्न स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। सनकर्न स्टोमेटा का कहने का क्या मतलब है? लीफ की लोअर सरफेस के ऊपर स्टोमेटा जो होंगे वो अंदर की तरफ धंसे हुए होंगे, उन्हें सनकर्न स्टोमेटा कहते हैं। ये क्या काम आ रहे हैं सनकर्न स्टोमेटा? सनकर्न स्टोमेटा जो होते हैं ना, उनसे ट्रांसपायरेशन बहुत कम हो पाता है। क्यों? एक तो वो लोअर सरफेस पे प्रेजेंट है, ऊपर से वो एपिडर्मिस के अंदर धंसे हुए होते हैं, इस वजह से उन पर फैक्टर ट्रांसपायरेशन की रेट जो होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी। कुछ प्लांट्स हम देखते हैं, कुछ प्लांट्स के अंदर लीव्स जो होती है वो कांटों में परिवर्तित हो जाती है। लीव का कांटों में परिवर्तित हो गई तो उनसे ट्रांसपायरेशन की रेट स्वतः ही डिक्रीज हो गई, क्योंकि स्टोमेटा ही नहीं रहे तो फिर उनमें फोटोसिंथेसिस का फंक्शन कौन करेगा? फोटोसिंथेसिस का फंक्शन स्टेम करेगा। स्टेम जो होगा वो फ्लेशी और सकुलेंट हो जाएगा और उनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होंगे, जो कि फोटोसिंथेसिस का फंक्शन करेगा। ओपेंशिया के अंदर हम इसको दे सकते हैं। थर्ड टाइप में हम देख रहे हैं रूट शूट रेशियो। रूट शूट रेशियो का कहने का क्या मतलब है? वाटर को एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? रूट एब्जॉर्ब कर रही है सोइल से। वाटर का लॉस कहाँ से हो रहा है? शूट की लीव से वाटर का लॉस हो रहा है।
लीफ भी शूट का एक पार्ट होता है, एरियल पार्ट होता है। एरियल पार्ट, जितने भी एरियल पार्ट्स होते हैं उनको शूट के अंदर इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि स्टेम को, ब्रांचेस को, लीव्स को, फ्लावर, इनफ्लोरेसेंस, इन सबको शूट के अंदर इंक्लूड करते हैं। और वाटर आ कहाँ से रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है रूट से, और बाहर की तरफ निकल कहाँ से रहा है या लॉस कहाँ से हो रहा है, लीफ की सरफेस से हो रहा है। तो रूट वाटर का एब्जॉर्प्शन का और ट्रांसपायरेशन का जो रेशियो होगा उसे रूट शूट रेशियो कहेंगे। अगर मिट्टी के अंदर पानी की कमी हो, पानी की कमी होगी तो प्लांट जो पानी एब्जॉर्ब कर रहा है और वो ट्रांसपायरेशन की रेट अधिक हो तो वो सारा पानी बाहर की तरफ चला जाएगा। अगर ट्रांसपायरेशन रेट ज़्यादा है और पानी मिट्टी के अंदर कम है तो एब्जॉर्प्शन रेट कम हुई, लेकिन ट्रांसपायरेशन रेट तो ज़्यादा है ना, इस वजह से वाटर जो है सारा बाहर की तरफ चला जाएगा, प्लांट के इंटरनल टिश्यूज़ के पास में पानी ही नहीं बचेगा, इस वजह से वो डैमेज होने लग जाएंगे। तो प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स जो होते हैं ट्रांसपायरेशन की रेट को डिक्रीज़ कर देते हैं, जिससे प्लांट के अंदर पानी की कमी ना हो और उनके इंटरनल टिश्यू जो होते हैं वो डैमेज ना हो, उनकी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कंटिन्यूस चलती रहे, इस वजह से वो ट्रांसपायरेशन की रेट को डिक्रीज़ कर देंगे। डिक्रीज़ कैसे करेंगे, लीफ का सरफेस एरिया कम कर लेंगे, या फिर लीफ के ऊपर क्यूटिकल की या वैक्स की लेयर प्रेजेंट हो जाएगी, अपने लीव्स का अरेंजमेंट जो होगा वो कुछ अलग तरह से कर लेंगे, सनकन स्टोमेटा डेवलप करेंगे, प्लांट्स के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन हो जाएंगे। अगर उनमें ट्रांसपायरेशन की रेट को कम करना है तो कुछ मॉडिफिकेशन आ जाएंगे स्वतः ही, और प्लांट्स के अंदर ट्रांसपायरेशन की रेट डिक्रीज़ हो जाएगी, इंटरनल टिश्यू को प्लांट्स की पानी की कमी नहीं होगी, वो डैमेज नहीं होंगे। लीफ ओरिएंटेशन क्या है, लीफ ओरिएंटेशन में लीफ का अरेंजमेंट कैसे है उसके आधार पर लीफ ट्रांसपायरेशन की रेट उस पर भी डिपेंड करती है। कैसे उस पर डिपेंड कर रही है, लीफ एक लीफ के ऊपर, लीफ की सरफेस पर लंबवत प्रकाश गिर रहा है, लंबवत सोयल रेडिएशंस आ रही हैं, तो लीफ की कंप्लीट सरफेस पर रेडिएशंस आई, लीफ की कंप्लीट सरफेस पर सूर्य की किरणें पड़ी तो लीफ का टेम्परेचर जो हो वो हाई होने लग जाएगा। टेम्परेचर हाई होगा तो धीरे धीरे उसके अंदर ट्रांसपायरेशन की रेट भी इंक्रीज़ होने लगेगी। इसलिए प्लांट्स जो होते हैं वो लीफ का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से कर लेते हैं कि उनके अंदर पान रेडिएशन जो है, सनलाइट जो है, केवल उनके मार्जिनल एरिया पे पड़े। अगर सूर्य की किरणें उनके केवल मार्जिन एरिया पे पड़ रही होगी तो ट्रांसपायरेशन की रेट डिक्रीज़ हो जाएगी। इनको इंटरनल फैक्टर्स के अंदर इंक्लूड करते हैं, क्या क्या पढ़ा हमने इंटरनल फैक्टर्स के अंदर, लीफ का एरिया कैसा हो, अगर लीफ का एरिया ज़्यादा है तो स्टोमेटा ज़्यादा, स्टोमेटा ज़्यादा तो ट्रांसपायरेशन की रेट भी ज़्यादा। और लीफ सरफेस क्या है, लीफ सरफेस में हमने देखा कि कुछ ड्राई इन्वायरमेंट में प्लांट्स के अंदर मॉडिफिकेशंस आ जाते हैं, लीफ छोटी हो जाती है, सनकन स्टोमेटा का डेवलपमेंट हो जाता है, लीफ के ऊपर क्यूटिकल या वैक्स की लेयर हो जाती है जो कि ट्रांसपायरेशन की रेट को डिक्रीज़ कर देता है। फिर हमने देखा रूट शूट रेशियो क्या है, रूट शूट रेशियो वाटर का एब्जॉर्प्शन कितना हुआ और वाटर का लॉस कितना हुआ, ये रेशियो ही रूट शूट रेशियो कहलाता है। इनके अंदर यदि प्लांट्स की सोइल के अंदर पानी की कमी है तो प्लांट ने जो वाटर एब्जॉर्ब किया है वो अगर कंप्लीट ही बाहर की तरफ लॉस हो जाएगा तो प्लांट के पास में पानी की कमी हो जाएगी ना, प्लांट के ऑर्गन्स को पानी ही नहीं मिलेगा और प्लांट धीरे धीरे डैमेज होने लगेगा। इसलिए प्लांट्स कुछ मॉडिफिकेशन करके अपनी स्ट्रक्चर में ऐसा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं कि उनसे वाटर का लॉस कम से कम हो। लीफ ओरिएंटेशन क्या है, लीफ का अरेंजमेंट किस आधार पे है ये भी ट्रांसपायरेशन की रेट को इफेक्ट करता है। यदि लीफ के ऊपर लंबवत प्रकाश गिर रहा है तो ट्रांसपायरेशन की रेट अधिक हो जाएगी, क्योंकि लीफ की कंप्लीट सरफेस एरिया पर प्रकाश आया तो ट्रांसपायरेशन की रेट इंक्रीज हुई। क्यों हुई, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है लाइट के साथ साथ में, तो ट्रांसपायरेशन स्वतः ही बढ़ेगा, वाटर अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव कर जाएगा। और यदि लीव्स जो हों वो समकोण समकोण की तरह व्यवस्थित हो, या फिर प्रकाश उनमें समकोण समकोणवत पड़े तो लीव के अंदर केवल मार्जिन एरिया पर प्रकाश आएगा, जिसके थ्रू ट्रांसपायरेशन की रेट डिक्रीज हो जाएगी। कल हम पढ़ेंगे कि एंटी ट्रांसपायरेंट क्या है, या फिर ऐसे कौन कौन से फीचर्स और या फिर ऐसे कौन कौन से प्रोसेस होती है जो कि ट्रांसपायरेशन वाटर लॉस को करती है, जैसे गटीशन क्या है, इन सब की कल के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। आई होप आप लोगों का आज का लेक्चर समझ में आया होगा, वीडियो को ध्यान से देखना, अगर इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो तो मुझसे शेयर करना। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।